मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक पुरातात्विक नगरी ऊन का मुक्तिधाम इन दिनों साफ सफाई के अभाव में राख के ढेर में तब्दील हो गया, जिससे आगामी दह संस्कार में परिजन को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आसपास 52 गांव के लोगों का दह संस्कार इसी स्थान पर होता है। ऐसे में विगत 21 दिन में 100 से अधिक लाशों का दह संस्कार होने से मुक्तिधाम राखों के ढेर में तब्दील हो गया, जिसमें पेड़ रखने की तक जगह नहीं है। लिहाजा घोर समस्या को लेकर अब ग्रामीणों ने साफ सफाई की आवाज उठाई है कि यहाँ पर जो शमशान घाट है वहाँ पर आसपास के जो लोग आ रहे हैं, जो मृत हो रहे हैं, वह काफ़ी मतलब प्रतिदिन 300 से 400 दाह संस्कार के लिए आते हैं और वहाँ अभी फिलहाल में जो है कि इकट्ठे सब होने के कारण साफ सफाई के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। उसके लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं। हम व्यवस्था जो है ग्रामीणों का जो है कुछ ग्रामीणों के पास व्यवस्था रहती है तो उनसे लेकर ये करते हैं और वन विभाग का जो है उससे भी हम ये करते हैं, वहाँ से भी उपलब्ध। सेगांव से जय गुप्ता की ये रिपोर्ट।